सो व्हाट्सअप गाइस, आप लोग जिस टाइप से फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाले हैं, बिल्कुल सीधी टाइप, तो आपको अपना फोटो को विद बैकग्राउंड है इसको सबका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे पहले शेयर कर लेना। तो इस बैकग्राउंड को पहले हम शेयर कर लेते हैं अपने पिक आर्टिस्ट में, शेयर कर लेना, ठीक है। तो हमारा फोटो ये बैकग्राउंड अपलोड हो गया है। तो अपलोड होने के बाद गाइस, आप लोगों को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड इरेज कर दिया है मैंने पहले से, तो आपको इसको ले लेना है अपने मॉडल को लेकर, और कुछ इस टाइप से रख लेना है और राइट क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद गाइस, आपको इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद आर्टिकल पे, और यहाँ पेंटल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको फुल्ली इधर कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है गाइस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इरेजर पे जाना है, इनबेड करके आपको रिसाइज कर देना है। आपको इसे अपने शर्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। शर्ट जो भी आपका शर्ट होगा उस पे अप्लाई कर लेना। तो इतना ठीक है अभी इस फोटो को। राइट क्लिक कर लेना, ठीक है गाइस। अब इतना कर लेने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, और यहाँ टूल्स पे आने जाने का एडजस्टमेंट में जाना है। आप फेस को गोरा करने वाले हैं, तो आपको ब्राइटनेस को कुछ इस टाइप से इतना बढ़ा लेना, और कंट्रास्ट को भी घटा लेना है, और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा, और इसको सैचुरेशन को इतना कर लेना है। ना कर लेने के बाद आपको इरेजर पे जाना है, इनरोल करके ले और इस साइज कर लेना है। और इसे कर लेने के बाद आपको फ़ोटो को जूम कर लेना है गाइस, और अपने फ़ोटो पे चला लेना है कुछ इस टाइप से, आपका फेस गोरा हो जाएगा। इतना गाइस ठीक है। अब हम अपने फ़ोटो को यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद एक लाइट वाली पीएनजी मिलेगी गाइस। कहाँ गया? इस लाइट वाले पीएनजी को ले लेना है, और ब्लेंड पे चल जाना है। और ब्लेंड पे जाने के बाद स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से यहाँ लगा लेना है, और यहाँ लगा लेने के बाद इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना है, और इसे भी यहाँ लगा लेना है कुछ इस टाइप से, और इसे लगा लेने के बाद आपको एडजस्ट में जाना है ह्यू पे। आपको रेड कलर सेलेक्ट करके और राइट क्लिक कर लेना, और आप अपने और ओपेसिटी इसका थोड़ा सा कम कर लेना, ओपेसिटी। तो इतना रख लेता हूँ मैं, और इस वाले को भी ओपेसिटी कम कर लेना है कुछ इस टाइप से रखना, और राइट क्लिक कर लेना, और फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में आ जाने के बाद गाइस, आप लोगों को एक हेयर की पिंजरी मिलेगी, इसे ले लेना है। और इसे ले लेने के बाद गाइस, आपको अपने फ़ोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से चला लेना है।
मतलब लगा लेना है, और इरेजर पर जाएंगे, जो भी बाहर का पार्ट का एरिया है उसे इरेज कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद गाइस आपको अपने फ़ोटो को राइट क्लिक कर लेना। तो जैसे राइट क्लिक करेंगे आपका हेयर भी लग जाएगा, तो आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में आ जाने के बाद गाइस आपको इस वाले पीएनजी को ले लेना है और इसे ऐड कर लेना है यहाँ कुछ इस टाइप से। और यहाँ ऐड करने के बाद इसे राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद गाइस आपका फ़ोटो बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पहले गाइस हमें इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद आपको ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका अमाउंट थोड़ा कम करेंगे कुछ इस टाइप से। और इतना कर लेने के बाद इसे इनरोड कर लेना है यहाँ पे अपने फेस पर से हटा लेना इसे। सिर्फ अपने फेस पर से हटा लेना इसे जहाँ पे आपको नहीं चाहिए। तो इतना ठीक है। अब इस फोटो को राइट क्लिक करना है। हमने ऑयल पेंट भी डाल दिया सीवी फोटो में जो जरूरी रहता है। तो आपको सेव कर लेना इस फोटो को। यहाँ पे जाएंगे सेव कर लेना और यहाँ पे आ जाने के बाद उसके बाद अपना स्नैपट्यूब ओपन कर लेना है और ऐड फोटो में जाएंगे और इस फोटो को ऐड कर लेंगे और यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे और डिटेल्स को फुल्ली डिक्रीज कर लेंगे, फुल्ली बढ़ा लेना है और इसको शार्पनिंग को भी थोड़ा सा। और इतना बढ़ा लेने के बाद राइट क्लिक करके फिर से सेलेक्ट पे जाएंगे और ये वहाँ वहाँ सेलेक्ट कर लेना जहाँ आपका स्क्रीन डार्क। तो इसे कुछ इस टाइप से अप्लाई कर लेना आपको हाथ वाथ पे। तो राइट क्लिक करके आपको फिर से पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे लेंस ब्लर और इसे कुछ इस टाइप से यहाँ लेकर आके राइट क्लिक करके ब्रश पे जाना है वीव एडिट और यहाँ लेंस ब्लर और इस ब्रश को ले लेना और ब्रश को ले लेना 70 कर लेना है और कुछ इस टाइप से अपने फ़ोटो में चला लेना है। आपका फ़ोटो स्मूथ हो जाएगा। तो इसे कुछ इस टाइप से 70 कर लेना है और चला लेना है। ठीक है, आपको जहाँ चलाना होगा।
सो गाइस, अब इस फोटो को हमारा फोटो बनके तैयार हो गया, देख ही सकते हैं। तो आप अपने फोटो को इस फिर से पेंसिल वाले आइकन पर जाएंगे और पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करेंगे और इस मोड को सेलेक्ट कर लेगा, इस राइट क्लिक कर लेंगे। तो अब हमारा फोटो बनके तैयार हो गया। तो इस फोटो को सेव करने के लिए डाउनलोड पे जाएंगे और सेव कर लेंगे। सो गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, और ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।